तो चलिए एक बार फिर से बात करते हैं आज की सबसे अहम खबर पर, जो है छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार पर। तो छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार का इंतजार खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रिमंडल के सदस्यों के नामों का ऐलान कर दिया है। तो भाजपा के 9 विधायक आज राजभवन में मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। कैबिनेट में साय के साथी होंगे बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, ओपी चौधरी, दयाल दास बघेल, लक्ष्मी राजवाड़े, केदार कश्यप, लखनलाल देवांगन, टंकराम वर्मा और श्याम बिहारी जायसवाल। ये 9 विधायक मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, जिसके लिए राजभवन के दरबार हॉल अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की कैबिनेट का विस्तार आज होने जा रहा है। साय मंत्रिमंडल में अभी 9 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी घोषणा की है। मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में सुबह 11:45 पर होगा। छत्तीसगढ़ में 13 सदस्यों का मंत्रिमंडल होता है। आपको बता दें कि सीएम साय के साथ, यानी कि सीएम विष्णुदेव साय के साथ 2 डिप्टी सीएम शपथ ले चुके हैं। आज 9 मंत्रियों के शपथ के बाद 12 सदस्यों का मंत्रिमंडल हो जाएगा। इसके बाद भी 1 मंत्री पद की जगह खाली रहेगी। आज जो 9 मंत्री शपथ लेने वाले हैं उनके नाम आपको एक बार फिर से बता दें, उनमें बृजमोहन अग्रवाल, केदार कश्यप, रामविचार नेताम, दयालदास बघेल, टंकराम वर्मा, ओपी चौधरी, लखनलाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल, लक्ष्मी राजवाड़े। ये 9 मंत्री हैं जो आज शपथ लेने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे दो सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़ के। हमारे साथ जगदलपुर से हैं जीवन अंधलदर, हमारे साथ संतोष कश्यप हैं अंबिकापुर से। और सबसे पहले यही जगदलपुर की ही बात करें तो बस्तर से भी अब मंत्री चुना जा रहा है। यानी खासतौर से जीवनंद, सवाल यही कि लगातार अटकलें लग रही थी कि कौन होगा मंत्री, और अब वो समय आ चुका है। जी निश्चित रूप से देखिए, बड़ी लंबे अंतराल के बाद और भाजपा ने जिस प्रकार की आज मंत्रिमंडल का गठन किया है, जिनमें से बस्तर से केदार कश्यप के नाम प्रमुखता के सामने आई है। आपको मैं भी बता देना चाहूंगा, जिस प्रकार की जो इतिहास से जो कल जिस प्रकार घोषणा हुआ है किरण देव जी को यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, वही देर शाम जब इस नाम का घोषणा हुआ है कि केदार कश्यप को बस्तर से मंत्री पद दिया जा रहा है, तो इसे लेकर बस्तर वासियों में खासा उत्साह है। अगर केदार कश्यप की बात की जाए, केदार कश्यप लंबे समय से भाजपा में मंत्री पद में रहे, लंबा अनुभव है, और सबसे बड़ी बात है कि वो युवा है और साथ ही बस्तर के कद्दावर आदिवासी नेता माना जाता है। यही कारण है कि जो संगठन है उन्हें ये उचित समझा होगा कि बस्तर से केदार कश्यप ही है जो जिसको मंत्रिमंडल दिया जाए। और यही कारण है कि जो भाजपा के संगठन ने एक अकाल नाम तय किया है, जिसमें से 9 मंत्री में से जो केदार कश्यप को यहाँ पे मंत्री पद दिया गया है। अब ये भी बता देना चाहूंगा कि बस्तर जो है ये सत्ता का चाबी कहा जाता है, और बस्तर को साधने के लिए सभी राजनीतिक दल है ये प्रयास करता है। यही कारण है कि जो कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस ने भी 2018 में जब चुनाव हुआ यहाँ पर कवासी लखमा जी को आबकारी मंत्री बनाया गया था, वही पीसीसी अध्यक्ष जो यहाँ दीपक बैच को बनाया गया है। कहा जाए तो उसी जो कदम तले जो भाजपा ने अपनी ये जो रणनीति तय की है कि यहाँ से जो एक ही मंत्री पद दिया गया, और साथ ही जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जो रायपुर या सरगुजा तरफ से होया करता था तो वो आज बस्तर के पाले में है। तो निश्चित रूप से ये लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा जो संगठन है वो एक रणनीति के तहत ये मंत्री पद दिया होगा। देखने वाली बात ये होगी कि लोकसभा चुनाव में इस मंत्री पद का कितना असर होता है। लेकिन एक खास बात यह है कि जो केदार कश्यप युवा होने के साथ साथ युवाओं के दिल में वो बसे हैं, और यही कारण है कि अब उन्हें जब मंत्री पद दिया गया तो उसे लेकर नारायणपुर क्षेत्र जो बिहार जो भुजबार क्षेत्र माना जाता है, और सभी बस्तरवासी ये अपेक्षा करते हैं कि एक आदिवासी नेता होने के कारण इस बस्तर में आदिवासियों के हित में कितना काम करते हैं, क्योंकि यहाँ जो 12 विधानसभा सीट है उसमें से एक ही मात्र सामान्य सीट है जगदलपुर, बाकी 11 जो विधानसभा सीट है आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, और ये बाहुल क्षेत्र होने के कारण अगर बस्तर से केदार कश्यप को अगर मंत्री पद दिया गया तो निश्चित रूप से बस्तर के लिए एक अच्छी खुशखबर है और बस्तर वासियों के लिए एक सुखद समाचार कहा जा सकता है, क्योंकि आदिवासियों के बिल्कुल जीवानंद आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि बस्तर से केदार कश्यप को जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। हमेशा से भाजपा कहते आई है कि उनका फोकस जो है वो आदिवासी पर है, वो आदिवासी को कहीं पीछे नहीं हटेंगे। तो केदार कश्यप को मंत्रिमंडल में शामिल करके बस्तर से एक मंत्री को लेके आना, कहीं ना कहीं भाजपा ने अपनी बात को कायम करते हुए दिखाई नजर आई है।
देखिए निश्चित तौर पर भाजपा के जो शुरू से जो आदिवासी के प्रति जो इस प्रकार का रुझान दिखा गया है, अगर केंद्र की बात की जाए राष्ट्रपति हमारे आदिवासी है, वही आदिवासी वर्ग की बात की जाए भाजपा ने छत्तीसगढ़ में जो सीएम दिए हैं वो भी आदिवासी वर्ग से आते हैं, साथ ही जो ये बस्तर से जिस प्रकार के आदिवासी नेता चुने हैं तो कहीं ना कहीं आदिवासियों को साधने के लिए आदिवासी के प्रति जो प्रेम देखा जा रहा है ये कहा जाए, क्योंकि हमेशा भाजपा ने अपने आदिवासियों के हित से कहता है, कहीं ना कहीं उनके वादे में जो कहा है वो सच नजर आ रहा है, और यही कारण है कि आदिवासियों को मौका दिया जा रहा है। पूरी अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए, पूरा छत्तीसगढ़ में से बस्तर एक ऐसा इलाका है जहां पे आज भी आदिवासी आंदोलन क्षेत्र में कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं और आदिवासियों को सुध लेने वाला कोई नहीं है, और यही कारण है कि जो लगातार जो आदिवासियों को जो उपेक्षित करने की जो बात सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये आदिवासियों को साधने के लिए भाजपा ने एक बार फिर पुनः आदिवासियों को मौका दिया गया है। आपके आदिवासियों को मौका दिया है, केदार कश्यप मंत्री बनने जा रहे हैं एक बार फिर से, क्योंकि एक बार फिर वो मंत्री पहले भी बन चुके हैं, चार बार के विधायक भी रह चुके हैं, और खासतौर से अब देखना होगा इस तरह का समीकरण पूरी तरह से बीजेपी साधने की कोशिश कर रही है। अंबिकापुर से संतोष कश्यप भी हमारे साथ जुड़ गए, माफ कीजिएगा संतोष, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, सरगुजा संभाग की अगर हम बात करें तो तीन इस बार मंत्री मिल रहे हैं, रामविचार नेताम जो सीनियर हैं, लक्ष्मी राजवाड़े यहां की अगर हम बात करें तो वो भी अभी 31 वर्ष की हैं, श्याम बिहारी जायसवाल वो भी मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, तो किस तरह का समीकरण साधने की कोशिश यहां पर की गई? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि सरगुजा संभाग से तीन नहीं चार मंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णु देसाई भी सरगुजा संभाग से ही आते हैं, उसके अलावा तीन मंत्री और सरगुजा संभाग से अब बनाए जा रहे हैं, जिसमें पहला नाम है रामविचार नेताम का, जो कि आदिवासी नेता है, कद्दावर नेता है, और 1990 से लेकर 5 बार विधायक रह चुके हैं, 6वीं बार विधानसभा सीट पर वो पहुंचे हैं जीतकर, तो कहीं ना कहीं रामविचार नेताम का कहीं ना कहीं अधिकार बनता था कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। रामविचार नेताम एक ऐसा नाम रहा है जो 2013 के चुनाव में हारने के बाद भी भाजपा ने उन्हें नहीं छोड़ा, संगठन के विभिन्न पदों में उन्हें जिम्मेदारी निभाने के लिए रखा गया। रामविचार नेताम पूर्व भाजपा के जो 15 साल के कार्यकाल थे उसमें भी 4 बार मंत्री रह चुके हैं, उसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री का दायित्व निभाया, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, राज्यसभा सांसद रहे, तो लगातार जो संगठन था वो रामविचार नेताम के ऊपर भरोसा जता रहा था, और यही कारण है कि इस बार वो मंत्रिमंडल शामिल होंगे। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो श्याम बिहारी जायसवाल दूसरे बार के विधायक हैं, हालांकि 2018 के चुनाव में उन्हें शिरकत खानी पड़ी थी, लेकिन पार्टी ने उन पर फिर से भरोसा जताया और अब वो विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। बिल्कुल संतोष, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि बड़े चेहरों को, वरिष्ठ नेताओं को तो मंत्री बनाया ही है भाजपा ने इस बार, लेकिन एक नया चेहरा और सबसे कम उम्र की विधायक जो है लक्ष्मी राजवाड़े, उनको भी जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी को, नए चेहरों को भी मौका देने की जो है भाजपा जो है वो तैयारी कर चुकी है, मौका दे रही है। क्या कुछ लक्ष्मी राजवाड़े को लेकर माहौल है, क्योंकि वो पहली बार की विधायक रही है और अब मंत्री बनने जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए जो लक्ष्मी राजवाड़े हैं उनकी अगर राजनीतिक करियर की अगर बात की जाए तो जनपद सदस्य से उनकी राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई थी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष बनी, भाजपा महिला मोर्चा की सूरजपुर की जिला अध्यक्ष का दायित्व उन्होंने निभाया, और नए चेहरा था लक्ष्मी राजवाड़े का, और भारतीय जनता पार्टी ने उस विधानसभा भटगांव विधानसभा सीट पर उन पर भरोसा जताया जहां से कांग्रेस के जो पारसनाथ रजवाड़े 10 साल से विधायक थे उस सीट से उन्हें टिकट दिया, और ये लक्ष्मी रजवाड़े थी उन्होंने 43,000 से अधिक मतों से 10 साल के विधायक रहे पारसनाथ रजवाड़े को हराकर विधानसभा वो पहुंची है, तो कहीं ना कहीं जो लक्ष्मी राजवाड़े हैं उनका हक भी बनता है। और दूसरी बात ये भी है कि लक्ष्मी राजवाड़े परिवार से आती हैं, राजवाड़े जो वोटर्स हैं वो सरगुजा संभाग में बहुत हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो जो भाजपा है जातिगत समीकरण के साथ साथ पुराने चेहरों के साथ साथ नए चेहरों को भी मंत्रिमंडल में शामिल कर रही है, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को आने वाले लोकसभा में मिल सकता है, शायद यही समीकरण है कि और दूसरी बात यह भी है कि सरगुजा संभाग में जिस प्रकार से 14 के 14 विधानसभा सीट जहां बिल्कुल जातिगत क्षेत्रीय समीकरण हर तरह से साधने की कोशिश की गई, युवाओं को और खासतौर से सीनियर को भी स्थान दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का।
इस आईके से फैसला, आपको बता दें, अब नौ रत्न विष्णु के ये आज शपथ लेने जा रहे हैं। 11:45 का वक्त होगा जब INS 24/7 के माध्यम से आपको हम लगातार पल पल की खबरें और तस्वीरें लगातार दिखाते रहेंगे। इसके पहले ये वो सभी नाम है जो INS 24/7 पहले भी बता चुका है।